संभल में एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर में युवती की हत्या से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की माने तो हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने युवती की रेप के बाद हत्या की चर्चा की है। मामला गुन्नेर कोतवाली के बबराला कस्बे का है, जहां बबराला पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर जनपद अमरोहा के हसनपुर निवासी अशोक राणा के एक निजी अल्ट्रासाउंड में वहां नौकरी करती एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह प्रेम प्रसंग के कारण बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अल्ट्रासाउंड में काम करती युवती से विवाद के कारण हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने अल्ट्रासाउंड संचालक और वहां काम करते एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं लोगों में युवती की रेप के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है। मौजूदा स्थिति में पुलिस मामले में विवाद की वजह बता रही है। पूरी स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार युवती की हत्या हुई है या फिर रेप के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यूपी में आए दिन रेप की वारदातें सामने आ रही है, उसको लेकर संभल में भी सोशल मीडिया पर लोगों ने इस प्रकरण को रेप के बाद हत्या से जोड़ दिया है। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। ये जनपद संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली कि एक श्री पैथोलॉजी है बबराला चौकी क्षेत्र में, वहाँ पे एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। हमारे 112 नंबर से सूचना आई रात में करीब 4:15 के आसपास में। पुलिस बल तत्काल मौके पे पहुँचा। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक देखा कि पैथोलॉजी के अंदर गैलरी में महिला की बॉडी पड़ी हुई थी और उसका गला घोटा गया था। प्रथम दृष्टया ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। उसके बाद उसको फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, बॉडी का पंचायतनामा करके उसको PM के लिए भेजा गया और जब गहन छानबीन शुरू की गई तो इसमें आपसी संबंधों में ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ विवाद होने के कारण ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया है, जिसमें पैथोलॉजी संचालक की भूमिका संदिग्ध है। उसको अभी तात्कालिक हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी टीमें कई जगह दबिश दे रही हैं लगातार इसमें, और जल्द से जल्द जो भी इसमें कल्प्रिट हैं वो उनको सजा दिलाया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।